नमस्कार, हेलो और सलाम सभी वीडियो देखने वालों को। मैं हूं ट्रैवलिंग डॉक्टर। तो आज हम देखेंगे बजरंग गाठिया के वणेला गाठिया। दोस्तों, ये वणेला गाठिया एक छोटे से गांव नानी परपड़ी है, जूनागढ़ के पास वहां पे है। लेकिन इन्होंने अब जूनागढ़ में दूसरी ब्रांच चालू की है, तो हम जाएंगे जूनागढ़ की ब्रांच पे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी वणेला गाठिया बनाने के लिए इनका आटा रेडी है। इसको अभी बार बार मसला जाएगा। इसमें थोड़ा गर्म ऑयल भी डाला जाता है, इसकी वजह से ये गाठिया जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बाद में इसका वणेला गाठिया बनाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने अभी ये चालू कर दिया है वणेला गाठिया बनाना। देखिए कितनी स्पीड में ये बना रहे है। इनके हाथों में सही में जादू है। मतलब ये गाठिया बनाना जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। तो हितेश भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका मैंने परपड़ी में वीडियो लिया था, याद है आपको? तो उसको एक साल हो चुका है। अभी आपने ये जूनागढ़ में ब्रांच खोला तो मैंने सोचा यहाँ पे भी वीडियो बना डाल। कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे जूनागढ़ में? बहुत बढ़िया। मतलब परपड़ी में जो लोग आते थे जूनागढ़ आते हैं क्या? सब सब। तो राजकोट से भी जूनागढ़ आते हैं कि परपड़ी जाते हैं? वहाँ पे भी, यहाँ पे। वहाँ पे ब्रांच चालू है आपका? हाँ। वहाँ पे आपका भाई संभालता है? हाँ। यहाँ पे सेम टेस्ट? सेम टेस्ट। चटनी का भी सेम टेस्ट है? मैंने टेस्ट किया, सेम है। गाठिया भी सेम टेस्ट का है। तो वहाँ पे तो आप 9 बजे चालू करते थे परपड़ी में, तो यहाँ पे आप कितने बजे? 6 बजे चालू करते थे बराबर। और रात को? रात को 12 बजे। 12 बजे तक? या तो फिर गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब जो कोविड की गाइडलाइन है उस हिसाब से। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको ये फ्राई करते हुए देखकर मुंह में पानी आ गया होगा। तो दोस्तों, आप तो खाली ये देख रहे हैं, मैं तो इधर बाजू में खड़ा हूँ, तो मेरे को तो इसकी स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रही है। मैं तो इसको खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गया हूँ। तो दोस्तों, अभी ये फ्राई हो गया है और इन्होंने ये बाहर निकाल लिया है वणेला गाठिया गर्मा गर्म। अभी इसके ऊपर ये हींग का पाउडर डालते हैं और बाद में इसको सर्व किया जाता है। ये है गाठिया के साथ सर्व करने वाली स्पेशल हरी चटनी। दोस्तों, वणेला गाठिया के साथ ये सलाद भी सर्व किया जाता है। तो ये मिक्स सलाद रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है ये। दोस्तों, वणेला गाठिया के साथ ये हरी मिर्च भी सर्व की जाती है। तो इसको ये फ्राई कर रहे हैं अभी। तो बजरंग गाठिया पे आपको ये चिप्स भी मिलेगी, पोटैटो की चिप्स है ये। तो इसको भी मसाला मसाला डाल के बहुत बढ़िया तरीके से सर्व किया जाता है। और कहाँ पे खोलेंगे ब्रांच जूनागढ़ के बाद? नेक्स्ट जूनागढ़ में दूसरी खोलनी है। जूनागढ़ में दूसरी लोकेशन आपका तो नाम है, आप कहीं पे भी ब्रांच खोलेंगे तो चलेगा? बढ़िया। मतलब चलिए हितेश भाई, फिर आप तीसरी ब्रांच खोलेंगे तो वहाँ पे भी वीडियो लेने के लिए आऊंगा मैं। पहले लोग जूनागढ़ से इनका गाठिया खाने के लिए नानी परपड़ी धोराजी जाया करते थे, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन अभी इन्होंने ये जूनागढ़ में ब्रांच खोल दी है। तो अगर आप जूनागढ़ विजिट कर रहे हैं तो जरूर ये बजरंग गाठिया पे आइए और इनका वणेला गाठिया टेस्ट करिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। तो घूमते रहिए और खाते रहिए।